पिछली क्लास में हमने पाइला के शेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था। आज हम लैमेलिडीन्स के शेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। लैमेलिडीन्स का जो शेल होता है वो बायवेल्वुलर होता है। इसका मतलब वो दो शेल के कैल्केरियस पीसेस का, या हम कहें वेल्व्स, या दो टुकड़े जो कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं उसका बना हुआ होता है। शेल का जो आगे का हिस्सा होता है वो राउंड होता है, जबकि उसका पीछे का जो हिस्सा होता है, पोस्टीरियर एंड होता है, वो पॉइंटेड होता है। दोनों ही शेल वेल्व्स जो होते हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं एक ब्राउन कलर के हॉर्नी सब्सटेंस के द्वारा हिंज लाइन पर, जो कि उसकी परिधि जो होती है शेल की परिधि पर जो हिंज लाइन होती है उस पर वो जुड़े रहते हैं। और जो ये मटेरियल जो होता है, या हॉर्नी मटेरियल जो मैंने बताया है, इसको हिंज लिगामेंट कहते हैं। और ये एक प्रोटीन का बना हुआ होता है जिसे कॉन्क्यूलिन कहते हैं। हिंज लिगामेंट जो होता है वो इलास्टिक नेचर का होता है, और क्योंकि ये खिंच सकता है तो इसलिए ये जब शेल खुलता है और बंद होता है तो इसमें ये मदद करता है। हिंज लिगामेंट के पास में हिंज टीथ या दांत होते हैं, और सॉकेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, ताकि जब शेल बंद हो तो वो आपस में एक दूसरे में फिट हो जाते हैं, और जो शेल के दो पीसेस हैं या वेल्व्स जो हैं वो आपस में फिसलते नहीं हैं आगे या पीछे की तरफ। शेल के ऊपरी सतह पर जो शेल वेल्व होता है उसके ऊपरी सतह पर जहाँ हिंज लिगामेंट लगा हुआ होता है वहाँ पर आप देखेंगे ये यहाँ पर ये एक राउंड एरिया प्रेजेंट होता है जिसे अम्बो कहते हैं। ये अम्बो सबसे शेल का सबसे थिक पार्ट होता है, वो सबसे ओल्ड पार्ट भी होता है। अब आप देखेंगे कि जो इसका अम्बो जो होता है, ये इसके बारे में मैंने आपको बताया है। अम्बो के नीचे अगर आप देखें तो ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, अम्बो के नीचे ये लाइंस दिखाई दे रही हैं। इनको कहते हैं लाइंस ऑफ ग्रोथ। ये कॉन्सेंट्रिक होती हैं, गोल गोल ये होती हैं, और ये लाइंस ऑफ ग्रोथ ये एनिमल की एज को बताती हैं। इसकी एज के हिसाब से जो होता है लाइंस ऑफ ग्रोथ कम या ज़्यादा होती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे शेल के पोस्टीरियर एंड पर यहाँ पर दो साइफन्स दिखाई दे रहे हैं, एक्सहेलेंट साइफन और ये इनहेलेंट साइफन होते हैं, और ये अग्र सिरे पर या एंटीरियर एंड पर आपको फुट दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे कि लैमेलिडीन्स में जो शेल वेल्व्स होते हैं वो दोनों ही शेल वेल्व्स एक ही शेप और एक ही साइज़ के होते हैं। दोनों शेल वेल्व्स एक ही शेप और एक ही साइज़ के होते हैं। अब अगर हम दोनों शेल्स को अलग कर दें, शेल वेल्व्स को अलग कर दें, तो अंदर हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं? तो अंदर की सतह पर जो चीज़ें हमको दिखाई देती हैं वो क्या होते हैं? कुछ फेसेट्स होते हैं, आर्टिकुलर फेसेट्स मतलब जुड़ने के स्थान होते हैं, कुछ मसल्स हमें दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो इसके एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड पर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एंटीरियर एंड है और ये इसका पोस्टीरियर एंड है। इस पर दो आपको निशान दिखाई दे रहे हैं, ये एंटीरियर एडक्टर मसल है और ये पोस्टीरियर एडक्टर मसल है। अब आप देखेंगे कि एंटीरियर एडक्टर मसल के पास में भी दो छोटे छोटे दो निशान और दिखाई दे रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि जो ऊपरी सतह पर आपको ये निशान दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर जो डॉर्सो पोस्टीरियर स्टार स्कार जो है, डॉर्सो पोस्टीरियर मतलब डॉर्सल मींस ऊपर और पोस्टीरियर मींस इसके पीछे, तो यहाँ पर एंटीरियर रिट्रैक्टर मसल है, और ये पोस्टीरियो वेंट्रल जो है, वेंट्रो पोस्टीरियर मतलब पोस्टीरियर है, इसके पीछे की तरफ है, वह वेंट्रल सरफेस पर है, वो है एंटीरियर प्रोट्रैक्टर मसल। इसी प्रकार से पोस्टीरियर एडक्टर मसल के पीछे भी एक आपको एक निशान दिखाई दे रहा है जो कि है पोस्टीरियर रिट्रैक्टर मसल। ये छोटा सा जो निशान है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हिंज लिगामेंट है जिससे दोनों शेल वेल्व्स
ये जुड़े हुए रहते हैं। इसके अलावा आप क्या देखेंगे कि दोनों जो एडक्टर मसल्स हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर एडक्टर मसल के बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, पैरेलल लाइंस हैं ये दोनों, तो ये है पेलियल लाइन। और इस पेलियल लाइन पर बहुत सारी मसल्स लगी हुई रहती है, मेंटल के एज पर होता है, और ये यहाँ पर बहुत सारी मसल्स लगी होती हैं, ये होते हैं रिट्रैक्टर पेलियल मसल्स, यहाँ पर लगी हुई रहती हैं। तो ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है शेल का, जो आपको मैंने बताया। अब हम इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर शेल का देखेंगे, लैमेलिडिन्स का। लैमेलिडिन्स का जो शेल है उसके अंदर तीन लेयर्स होती हैं, पेरिओस्ट्रेकम आउटर मोस्ट लेयर है ये, और ये जो होती है ये जो मेंटल की बाहर की सतह होती है उसके सेल्स से बनती है। दूसरी लेयर जो है वो ऑस्ट्रेकम है, या हम कहते हैं प्रिज्मेटिक लेयर, तो ये मिडिल लेयर है। और ये किससे बनती है, ये आउटर जो मेंटल होती है उसके आउटर ब्राउन लेयर होती है, तो आउटर ब्राउन लेयर के जो सिक्रीशंस होते हैं उससे ये वाली लेयर बनती है ऑस्ट्रेकम। इसके बाद थर्ड लेयर जो है उसे कहते हैं हाइपो ऑस्ट्रेकम, ये हाइपो ऑस्ट्रेकम है, और ये जो हाइपो ऑस्ट्रेकम है ये लास्ट की लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है, और ये किससे बनती है, ये बनती है जो मेंटल होते हैं उसके ग्लैंड सेल्स होते हैं, मेंटल के एजेस पर ग्लैंड सेल्स होते हैं, और वो ग्लैंड सेल्स इस लेयर को, नेक्रियस लेयर को सिक्रीट करते हैं। इसके अलावा जो उसकी मेंटल की आउटर ब्राउन लेयर होती है वो भी इसको बनाती है, और ये हाईली पॉलिश्ड लेयर होती है, मींस चमकीली लेयर होती है, और ये इनर मोस्ट लेयर है इसकी। तो यहाँ पर इसको नेक्रियस लेयर भी हम कहते हैं, पॉलिश लेयर है, नेक्रिस लेयर भी हम इसको कहते हैं। इसके बाद हम इसका देखेंगे कि पर्ल कैसे बनती है, मुक्ता कैसे बनती है। जब मेंटल और शेल के बीच में कोई भी कण आ जाता है, आप ये देख रहे हैं ये इंटरनल स्ट्रक्चर शेल का मैंने आपको बताया है, तो ये शेल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें आप एक चीज़ देखिए कि ये जो मेंटल है, ये जो मेंटल जो है ये आप ये शेल दिख रहे हैं, प्रिज्मेटिक लेयर, ऑस्ट्रेकम, हाइपोस्ट्रेकम, इसके नीचे मेंटल होती है, नेक्रियस लेयर के नीचे। तो जब ये शेल और मेंटल के बीच में कोई कण आ जाता है, आप कहें कि कोई अंडा आ जाए या कोई रेत का कण आ जाए, तो क्या होता है, जो मेंटल की जो सेल्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, नेक्रियस सब्सटेंस सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं, बनाना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है, उस कण के आसपास परत बनने लग जाती है, नेक्रियस की एक परत बनने लग जाती है, और बार बार जब वो परत बनती जाती है, क्योंकि नेक्रियस जो होता है वो पॉलिश्ड होती है, शाइनी होती है, चमकदार होती है, तो वो क्या होती है, बार बार जब लेयर्स बनती हैं तो एक गोल सा चमकदार एक अंडाकार एक संरचना बन जाती है, जिसे मुक्ता या पर्ल कहते हैं। नेक्रियस लेयर को मदर ऑफ पर्ल भी कहा जाता है, इसलिए आप कहेंगे तो इसको मदर ऑफ पर्ल भी कहते हैं, क्योंकि पर्ल फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। लैमेलिडिन्स जो पर्ल्स बनाते हैं, लैमेलिडिन्स, तो ये जो पर्ल्स इनके द्वारा, लैमेलिडिन्स के द्वारा जो ये बनाया जाता है वो थोड़ी सी लो क्वालिटी का होता है, जो बहुत ही अच्छे जो मुक्ता होते हैं पर्ल्स, हाई क्वालिटी के जो होते हैं वो पर्ल ऑयस्टर्स के द्वारा बनाए जाते हैं। पिंकटाडा वल्गैरिस है, मेलीग्रीना है, और इस प्रकार के जो मोलस्क्स हैं उनके द्वारा ये बनाए जाते हैं।